कांग्रेस पार्टी प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर टिप्पणी न करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नेताओं के ऊपर टिप्पणी करने की बजाय आगामी लोकसभा चुनावों में जीत हासिल करने पर ध्यान देना चाहिए ताकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन सके। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर का स्वागत किया और कहा कि राठौर के आने से अब नए रक्त का संचार होगा। प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि पार्टी हाईकमान ने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है जो ना तो विधायक का चुनाव लड़ा है और ना ही कभी सांसद रहा है। एक साधारण व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कल भी कहा है कि पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके खिलाफ टिप्पणियां करने से बचना चाहिए और अनुशासन में रहते हुए आने वाले जो लोकसभा के चुनाव हैं उनके ऊपर नेतृत्व को भी और पार्टी कार्यकर्ताओं को भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि पार्टी का लक्ष्य 2019 के चुनाव जीतकर राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने का है। अपने आप में स्वतंत्र है, कुछ भी जो उनको ठीक लगता है वो करें, लेकिन जहाँ तक वीरभद्र सिंह जी का सवाल है, मुकेश जी का प्रश्न है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का प्रश्न है, दूसरे तमाम बड़े जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उनका प्रश्न है, वो सब प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए सम्माननीय हैं, आदरणीय हैं और किसी के विषय में भी, जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा, किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक टिप्पणी जो है वो नहीं की जानी चाहिए। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष आदरणीय कुलदीप सिंह राठौर जी एक विशाल जनसभा को संबोधित करने के उपरांत अपना पदभार संभालेंगे और मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के लिए एक आने वाले समय के लिए एक नई परिस्थिति का सूत्रपात कल होगा और ये प्रदेश के इतिहास में पहला अवसर है जब किसी ऐसे व्यक्ति को पार्टी आलाकमान ने पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है जो ना तो कभी विधायक का चुनाव लड़े हैं ना सांसद का चुनाव लड़े हैं, अपितु NSOI के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे और हिमाचल प्रदेश के तीन कांग्रेस अध्यक्षों के साथ, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री माननीय राजा वीरभद्र सिंह जी, ठाकुर कौल सिंह जी और निवर्तमान पार्टी अध्यक्ष आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ उनको काम करने का अनुभव प्राप्त है और एक परिपक्व अनुभवी और सहनशील नेतृत्व के धनी हैं और शायद इसी वजह से हिमाचल प्रदेश के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने कुलदीप राठौर जी के नाम के ऊपर सहमति जताई और कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो है ये उम्मीद करता है कि राठौर जी के नेतृत्व में और पार्टी के जो वरिष्ठ नेतागण हैं हमारे दूसरे, जिनमें राजा वीरभद्र सिंह जी हैं, मुकेश अग्निहोत्री जी हैं, आशा कुमारी जी हैं, ठाकुर कौल सिंह जी हैं, GS बाली जी हैं, श्री आनंद शर्मा जी हैं और तमाम बड़े नेता जो हैं उनके मार्गदर्शन में आने वाले समय में जो लोकसभा के चुनाव हैं उनमें कांग्रेस पार्टी जीत का परचम ले रही है।